एपिसोड के स्टार्ट में हमें नाटू को दिखाया जाता है जो कि अपने इन्फर्नल वाले रूप में काफी ज्यादा पगला गया होता है और चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। इस चीज के चलते ही अपने शिनरा की जान एक बार फिर से खतरे में पड़ गई होती है, तो यहाँ पर शेरोन आकर शिनरा को बचाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर अपना शिनरा जाकर उस इन्फर्नल के ऊपर अटैक करता है नाटू को बचाने के लिए। पर यहाँ पर शिनरा के अटैक उस इन्फर्नल के ऊपर असर ही नहीं कर रहे होते, इसलिए शिनरा जाकर नाटू से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच शिनरा अडोरा लिंक से कनेक्ट हो गया होता है, जहाँ पर शिनरा को नाटू का पास नजर आता है, जहाँ पर सारे लोग सिर्फ नाटू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कर नाटू के पेरेंट्स भी, जो कि उसके नंबर को लेकर हमेशा उसके ऊपर प्रोटेक्टिव बने रहते हैं, और जब उसके नंबर खराब आते हैं तो वो उसके साथ काफी बुरा बिहेव करते हैं, जैसे कि वो एक बेजान कठपुतली हो। इसके चलते ही जब यहाँ से नाटू जाता है हाइजिमा इंडस्ट्री और उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, तो वहां पर भी सिर्फ सारे लोग उसके ऊपर कंट्रोल ही जमा रहे होते हैं। साथ ही साथ उसके दिमाग में अबरीका आकर बस गया होता है, जो कि उसका हमेशा दिमाग खराब कर रहा होता है। और वहीं जब वो रीपर के साथ फाइट कर रहा होता है तो उसके दिमाग में और भी ज्यादा असर पड़ता है, तो शिनरा नाटू से बात कर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। बट नाटू का यहाँ पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया होता है, इसलिए अब वो अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करने लग गया होता है। इस चीज को देखकर इंका को भी समझ में आ गया होता है कि यहाँ पर नाटू की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो 500 किलोमीटर के सारे इंसानों को आराम से मिटा देगा। वहीं इन सारी चीजों को देखकर अपनी टीम वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच रही होती है, पर विक्टर कह रहा होता है कि यहां से वो कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए, पर यहां पर कोई भी नहीं बचने वाला। इसी बीच नाटू अपने पावरफुल मूव से वहां पर अटैक कर देता है और यहां पर शेरोन बीच में आकर कह रहा होता है कि यहां पर वो किसी को भी मरने नहीं देगा, स्पेशली पिलर को, क्योंकि हमेशा एक प्रोटेक्टर का काम होता है कि वो सारे पिलर को बचा कर रखे। इसी बीच नाटू की पावर आकर शेरोन से टकराती है, जो पावर शेरोन के लिए हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता, पर फिर भी शेरोन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर इसी बीच उसे अपनी लाइफ की पूरी मेमोरीज नजर आ रही होती है, खासकर हमें एक साथ बिताए हुए पल। इसके चलते ही शेरोन को लग रहा होता है कि क्या उसका आखिरी पल यहाँ पर आ गया है। बट शेरोन कहता है कि यदि आज वो यहाँ पर कमजोर पड़ गया तो सारे पिलर को कौन बचाएगा, इसलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है और सारी एनर्जी को सोख लेता है और जमीन में गिरने लग गया होता है। पर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस ताकत को चांद पर दे मारता है, जिसके चलते ही वो जमीन पर गिर गया होता है। और जब वो आसमान में देखता है तो उसकी पावर जब चांद से टकराती है तो वहां पर एक काफी बड़ा होल हो गया होता है। इस चीज को देखकर सारे लोग काफी शॉक होते हैं, क्योंकि शेरोन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं ये सारी चीज देखकर रीपर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही नाटू की पावर की वजह से यहाँ के सारे वीक लोग मारे जाते, और यदि वीक लोग मर जाते तो वो भला किसको बुली करता और उसकी लाइफ का क्या मतलब निकलता। इसलिए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस काम को कंप्लीट करने के बाद वो हाइजिमा इंडस्ट्री से एक काफी बड़ा बोनस मांगेगा। ये बोलकर वो काफी गुस्से से अपने स्मोक से एक काफी बड़ा कटाना बनाता है। इस चीज को देखकर इन्फर्नल उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर रीपर अपने कटाने के अटैक से उस इन्फर्नल के हाथ के दो टुकड़े कर देता है। इस चीज को देखकर अपना शिनरा काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने काफी तगड़े अटैक किए थे इन्फर्नल के ऊपर, इसके बावजूद भी वो इन्फर्नल को एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचा पाया था। पर यहाँ पर रीपर ने काफी इजिली उसके हाथ के दो टुकड़े कर दिए और वहीं पर नाटू भी उसके ऊपर कंटिन्यू अटैक करता है, तो रीपर यहाँ पर कंटिन्यू अटैक कर उसके एक एक कर सारे बॉडी पार्ट्स को काट देता है और लास्ट में सिर्फ नाटू की एक बॉडी और थोड़ा सा हिस्सा बचा रहता है, जहाँ पर शिनरा को लगता है कि यहाँ पर रीपर अब नाटू को मार डालेगा। बट रीपर यहाँ पर नाटू को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे इन्फर्नल की बॉडी से बाहर निकालता है, जिस चीज को देखकर नाटू काफी डर गया होता है और वो रीपर से कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, पर वो उसे एक चांस दे दे। जिस पर रीपर उससे कहता है कि उसे स्ट्रांग बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे वीक लोग पसंद है और यदि वो स्ट्रांग बन गया तो वो भला किसको बुली करेगा, किसको परेशान करेगा। जिस बात को सुनकर नाटू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे अब तक सारे लोग सिर्फ उससे ज्यादा अच्छा उम्मीद कर रहे थे, उसे स्ट्रांग बनने के लिए कह रहे थे और उसे इम्प्रूव करने के लिए कह रहे थे, पर यहाँ पर ही रीपर एक लौता
दूसरा ऐसा बंदा होता है जिसने उसे कहा है कि वो उसे वीक बने। इस चीज के चलते ही नाटू यहाँ पर रीपर को पसंद करने लग गया होता है और वो पूछ रहा होता है कि सच में उसे एक वीक पर्सन बनकर ही रहना चाहिए। जिस पर अपना रीपर कह रहा होता है कि बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे होने के नाते वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, पर उसे इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि वो एकदम से स्ट्रांग बन जाए, और वो चाहता है कि वो हमेशा वीक ही रहे ताकि वो उसके साथ रहकर हमेशा उसको बुली कर सके। ये बात को सुनकर रीपर को थैंक्स कह रहा होता है उससे ज्यादा उम्मीद ना करने के लिए। वहीं रीपर और नाटू को देखकर सैरॉन कह रहा होता है कि यहाँ पर भले ही उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में काफी ज्यादा अजीब हो, दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल ना हो, पर इसके बावजूद भी वो ये चीज साफ साफ देख पा रहा है कि यहाँ पर रीपर ही सिर्फ नाटू का प्रोटेक्टर बन सकता है। ये चीज कहने के बाद सैरॉन अपनी टीम के साथ वहां से 9-2-11 हो गया होता है। वहीं इन सारी चीजों के इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपनी 8 को हाइजिमा इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल और सारी चीजों को लेकर उनके सीनियर्स के पास जाना होता है, जहां पर अपनी कंपनी 8 सीनियर्स के पास पहुंच गई होती है रिपोर्टिंग करने के लिए। वहीं सीनियर अपने कैप्टन ओबी से पूछते हैं कि भला वो लोग होली सोल टेम्पल और हाइजिमा इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये पूरा एम्पायर चलता है। जिस पर अपने कैप्टन ओबी कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि एविलिस किसी तरीके से इनसे जुड़ी हुई है और वो सारी चीजों का पर्दाफाश कर इस दुनिया से एविलिस का नाम निशान मिटाना चाहते हैं, साथ ही साथ जो लोग इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उन्हें भी सही करना चाहते हैं। जिस पर उसके सीनियर कह रहे होते हैं कि कोई भी चीज करने का एक सही तरीका होता है और कभी भी डिसीजन ऐसे नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से वो सारी सुविधाओं से अपने हाथ धो बैठे। जिस पर अपने कैप्टन ओबी कह रहे होते हैं कि यदि ऐसी ही बात है तो उनकी हाइजिमा इंडस्ट्री की खासकर कंपनी 3 से डॉक्टर जीवानी काम करते थे और वो एविलिस से जुड़े हुए थे, तो क्या ये चीज सही है कि वो एक एविलिस का हिस्सा थे। जिस पर सीनियर बता रहे होते हैं कि यहाँ पर हाइजिमा इंडस्ट्री और होली सोल टेम्पल अभी तो सीधे किसी भी तरीके से एविलिस से जुड़े हुए नहीं है, और यहाँ पर डॉक्टर जीवानी उनके लिए कॉइंसिडेंस था कि वो एक एविलिस के बंदे थे जो कि उनके कंपनी में काम किया करते थे। जिस पर अपने कैप्टन ओबी पूछते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अमातरासु के अंदर एक जलता हुआ बंदा है, तो क्या ये बात उन्हें ऑलरेडी पता थी। जिस पर सीनियर कह रहे होते हैं कि जितना बात जो वो लोग सोच रहे हैं वो उन्हें ऑलरेडी पता है, और उन्हें ये भी पता है ये जो पावर जनरेटर है उसके अंदर सच में एक ऐसा बंदा है जो कि जल रहा होता है। पर यदि वो खुद ही सोचे कि यदि पूरी हाइजिमा इंडस्ट्री के चलते ही वहां पर पावर सप्लाई हो पा रही है और यदि उसके चलते ही एक बंदे को सेक्रीफाइस किया जाता है, तो पॉलिटिक्स के नजरिए से ये चीज सही है और ये चीज उनके पूरे कंट्री के लिए काम आ रही है। जिन बातों को सुनकर शिनरा को काफी गुस्सा आता है और वो सीनियर से पूछता है कि यदि उनके पास ऑलरेडी अमातरासु है तो वो बाकी बच्चों के ऊपर एडोलाबस्ट वाली रिसर्च क्यों कर रहे हैं। जिस पर सीनियर बता रहा होता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो एक और अमातरासु बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पावर सप्लाई को और भी बढ़ा सके। जिस बात को सुनकर अपने शिनरा को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि भला क्या वो लोग किसी भी इंसान की वैल्यू नहीं करते और वो भला एक और इंसान को उस अमातरासु के अंदर डाल देंगे। जिस पर उसके सीनियर कह रहे होते हैं कंट्री के लिए किसी एक इंसान का सेक्रीफाइस करना उन्हें कुछ खास बड़ा नहीं लगता है। जिस पर अपना शिनरा कह रहा होता है कि यदि ऐसी ही बात है तो वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। जिस पर अपने कैप्टन ओबी कहते हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। इस बात को सुनकर वॉल्कन वहां पर आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि वो शिनरा को खुद को सेक्रीफाइस नहीं करने देगा और भले इसके लिए उसे दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, वो खुद का एक ऐसा अमातरासु बनाएगा जिसमें किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होगा। जिस बात को सुनकर सीनियर वॉल्कन को अंदर आने के लिए कहते हैं और वहीं पर वॉल्कन कह रहा होता है कि वो बस उसे ऐसे मटेरियल दे जिससे वो अमातरासु बना सके और उसके बदले उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर इसके चलते वो उनके टीम और खासकर उनके शिनरा को परेशान न करे। और वहीं पर कैप्टन ओबी भी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए वो कभी भी शिनरा को उनके हवाले नहीं करेंगे ना ही उसे सेक्रीफाइस करेंगे। जिस पर उनके सीनियर कह रहे होते हैं कि वो कंपनी 8 को उनके छूट देंगे और जैसा वो बोलेंगे वैसा भी करेंगे, पर यहाँ पर कंपनी 8 को पहले उन्हें कुछ रिजल्ट निकाल कर दिखाने होंगे। जिस पर अपना शिनरा पूछता है कि यदि ऐसी ही बात है तो हाइजिमा इंडस्ट्री के बच्चे और खासकर नाटू का क्या होगा और क्या उनके ऊपर अभी भी कड़ी रिसर्च होगी। जिस पर सीनियर कह रहा होता है कि अभी भी उनके ऊपर रिसर्च होगी, पर अब उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाएगा क्योंकि अभी तक इन्फर्नल वाली गुत्थी नहीं समझी गई है और इसके चलते ही उन्हें एडोलाबस्ट के ऊपर रिसर्च करनी होगी। जिसके बाद कंपनी 8 वहां से जा रही होती है और अपने सिंड्रा अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे शेरॉन ने बताया था कि हर एक पिलर का एक प्रोटेक्टर होता है और उसके चलते ही शिनरा को समझ में आता है कि उसके प्रोटेक्टर है पूरी कंपनी 8 जो कि हमेशा उसके साथ रहेगी। जिसके बाद हमें नाटू को दिखाया जाता है जो कि रीपर के साथ काफी घुल मिल के रहने लग गया होता है और उसकी पावर अब उसके कंट्रोल में भी आ गई होती है, जिसके चलते ही उनका बैटल टेस्ट स्टार्ट होता है।
जाता है और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है।